तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश भटगुजर। अभी अपन देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मैंने किया क्या था जब मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, लोग मुझे हंस रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। जब मैं हिस्ट्री में था, मतलब 7th, 8th, 9th, 10th तक था मैं, मतलब तब मुझे थोड़ा समझ में आने लग गया था ना कि भाई वो लड़के मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे और हंसते भी थे, ठीक है। तो मैंने तब मेरे पास कुछ दोस्त थे, तो मेरे दोस्त थोड़ा बहुत ज़्यादा शरारती थे, मतलब शरारती मतलब बहुत ही अच्छे थे, अच्छे भी थे और शरारती भी थे। तो मतलब जैसे ब्लैक लिस्ट के जो स्टूडेंट रहते ना, उस टाइप के थे। तो मैंने देखा उनको, मैंने उनको ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि भाई ये जो लड़के हैं, मैं भी बोलता हूँ वो भी बोलते हैं, लेकिन मैं अटक अटक के बोलता हूँ वो अच्छे से बोलते हैं, लेकिन अभी वो जो है वो अटक नहीं रहे हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं और कुछ भी शरारत करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, तोड़ फोड़ मारा, मतलब किसी को पीटना है, कुछ भी, मतलब किसी को कुछ बोलना है, बिंदास बोल देते थे, बिना डरे बोल देते थे। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं। मैंने ये सोचा था तबा, तो ये थोड़ा सा मैंने तब तो मुझे इतना अकल भी नहीं थी कि सोचते कैसे है, क्या सही है क्या गलत है। तो जब मैं अभी मैं सोचता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं तब वैसा नहीं करता तो अच्छा रहता आज, ठीक है। तो मैंने तब क्या किया, तो वो बहुत ही मतलब शरारती लड़के थे ना, तो उनके हम तो दोस्त बन गए थे तब। तो हम लोग हमेशा कुछ तोड़फोड़ बेंच रहते थे, उनको तोड़फोड़ करते थे, कुछ किसी को भी कुछ भी बोलते थे, अगर किसी को मारने जाना था तो हम जाते थे, ऐसे दादागिरी का काम या फिर कुछ चोरी का काम या फिर कुछ तोड़फोड़ का काम, ऐसे हम छोटे छोटे काम वहाँ पे करने लग गए। तो इससे मैंने देखा कि भाई वो तो ऐसे काम करते हैं इसलिए वो नहीं अटकते हैं, ठीक है। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जो होशियार लड़के हैं वो भी तो नहीं अटकते ना, तब मैंने ये बात सोची नहीं थी, तब इतनी समझ नहीं थी ना, जो अपने पास है, जो अपना अपने दोस्त है उनके बारे में सोचा और उनके जैसा बनने की कोशिश कर ली मैंने वहाँ पे। तो मैं वैसा बनने लग गया। तो बनते वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि भाई मैं कर रहा हूँ कुछ तोड़फोड़ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़े मतलब एक साल हुआ, दो साल हुए, तीन साल हुए, मतलब आठवीं से लेकर मैं 10th तक आ गया, फिर भी मेरा जो बोलने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो रहा था। भाई मैंने सोचा था कि भाई अगर मैं इनके जैसा बन जाता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व? तो मैं तब भी मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि भाई मतलब हम मतलब कोई डिफरेंस तो है नहीं अपने में, तो फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो बात ऐसी थी वहाँ पे कि मैंने जो ट्राई किया था वो थोड़ा गलत ट्राई किया था कि भाई अगर मैं कुछ तोड़ूंगा कुछ फोड़ूंगा तो मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कुछ तोड़ने से, कुछ फोड़ने से, किसी को मारने से, इससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो तब मैं मतलब तब मेरे वो जो तीन चार साल थे वो 7th से लेकर 10th तक, तो वो तो मतलब बर्बाद हुए हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ाई तो इतनी सी हुई नहीं तब,
तब कॉफ़ी वगैरह चल जाती थी तो, और पास भी कर देते थे, भारत में रूल है 7 तक या 5 तक कुछ तक पास करते रहो, 8वीं तक, तो इससे अपन पास होते रहे और यहाँ तक आ गए भाई, है 10 तक। तो फिर तब समझा कि भाई ऐसा नहीं होता है, अगर आप पेरेंट होंगे तो आपके बच्चों को भी थोड़ा समझाइए भाई तू ऐसा कुछ मत कर, ये ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कैसे उस वक्त तो मुझे बोलने वाला कोई था नहीं, मतलब घर वालों को तो अपन कुछ दिखाते कुछ और है, हम होते कुछ और है, तो ऐसी जो चीज़ें रहती है तो वो बात मतलब डायरेक्टली तो अपन घर वालों से तो कुछ बोल नहीं सकते थे कि भाई मुझे बोलते नहीं आता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, घर वाले उनके हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन आगे जो हमें करना है वो तो हमें ही करना है ना, तो ऐसी जो बात रहती है तो वो ऐसे नहीं होते हैं, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ और होगा तो वैसे वैसे तो कुछ है ही नहीं, मतलब फर्क देखिए एक और चीज़ और जो था, मैं जब मतलब जब वहाँ पे था, जब मेरे वो दोस्त थे तो दोस्त तो बहुत अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं था उनका, लेकिन मेरा जो बोलने का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने तो उसके बाद में मैं गया 11th में, तो 11th में जाने के बाद में क्या हुआ, तो हमारा एक मतलब स्कूल से निकल कर अभी अपन कॉलेज में जाने वाले थे, तो कॉलेज में जाने के बाद में तो सब सारे के सारे लड़कों को तो कुछ एक ही कॉलेज नहीं मिला, कोई डिप्लोमा को गए, कोई दूसरे कॉलेज में, कोई दूसरे कॉलेज में, तो उस वक्त हुआ ऐसा कि मैं दूसरे कॉलेज में चला गया, मैं अकेला और एक हाथ जनता शायद से, ठीक है, हम ऐसे है दूसरे कॉलेज में, और मेरे जो बाकी दोस्त थे वो दूसरे कॉलेज में चले गए। तो इससे हुआ ऐसा कि हमारी जो दोस्ती थी ना, मतलब वो थोड़ा सा दूर हो गया, मतलब हम दूर दूर हो गए ना सर, वो उधर के कॉलेज में, ये उधर इधर और उधर, मतलब ऐसे हम मिलके वहाँ पे रहे नहीं। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं ना हमारे उस मतलब वहाँ पे जब मैं इस कॉलेज में आया, 11th के कॉलेज में आया, तब मेरे जो दोस्त बने, ठीक है, तब मैंने सोचा कि अभी अपन ने देखो भी अभी अपन ने ना मतलब शरारती लड़कों के साथ मतलब दोस्ती तो बहुत कर ली है, बहुत सारे चीज़ें कर ली है, तो अभी अपन कुछ ट्राई करते हैं कि जो होशियार लड़का लड़के रहते हैं उनके साथ अपन दोस्ती करते थे। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसा भी अपन ट्राई करके देखते हैं अभी, तो ऐसा मैंने ट्राई किया, तो वहाँ पे मैंने उनमें भी सिमिलरिटी देख ली कि भाई ये जो शरारती लड़के थे वो भी टीचर के सामने या फिर इधर उधर डायरेक्टली ऐसे बिंदास बोलते थे, कुछ भी शरारत की करने के बाद में टीचर पनिशमेंट देते थे ना, तो तब भी वो डरते नहीं थे, ठीक है, और वो अलग, और हम जब कॉलेज में थे तब ये जो होशियार लड़के रहते थे वो भी टीचर के सामने डायरेक्टली बोलते थे, क्यों, उनको आंसर आता था और एक्यूरेट आंसर आता था, उनका आंसर अच्छा हो गलत हो फिर भी वो डायरेक्टली बोलते थे टीचर के सामने, और टीचर भी उनके सामने बोल नहीं पाता था। तो मैंने सोचा यार कि यहाँ पे भी टीचर मतलब ये लड़के टीचर के सामने डायरेक्टली बोल रहे हैं, ये वाले भी बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ और मुझे भी कुछ आने लग जाए, मैं भी डायरेक्टली टीचर के सामने बोल सकता हूँ, तो इससे मुझे आगे फ़ायदा हुआ। तो बात ऐसी हुई अभी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सी पढ़ाई करने लग गया वहाँ पे, तो मैं 11th में आया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हो गया, दोस्त भी अच्छे रहे, तो दोस्तों के साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई अपने वाली। तो पढ़ाई होने के बाद मतलब वहाँ पे अभी हमारा जो कॉलेज था, तो वहाँ पे जो टीचर थे मतलब उनको मतलब अपने को तो मालूम रहता है टीचर को इतना सिखाते नहीं आता है, अब
अपने अपनी बातों में। तो हम टीचर मतलब टीचर से ज़्यादा हम पढ़ाई करके आते थे और टीचर के सामने हम डायरेक्टली बोलते थे, तो मतलब टीचर को हम चुप करा देते थे। तो उससे अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लेवल बढ़ने लग गया वहाँ पे, क्योंकि जब मैं टीचर के सामने बोलता था ना तब मेरे साथ सिर्फ टीचर नहीं रहता था, बाकी मेरे जो दोस्त थे 100-200 उतने सारे दोस्तों के साथ में सामने मैं टीचर से बोलता था। तो उससे जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस की जो लेवल थी वो बढ़ गई मेरी। तो उससे जो कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा भाई, तो उससे बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ऐसा ट्राई करो, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा फ़ायदा। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको सही और गलत दोनों चीज़ें मैंने बताई है जो मैंने ट्राई की थी। अगर आप शुरुआत से ही सही चीज़ें अगर ट्राई करोगे तो आपको आगे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा, डर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका एक बार अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो आपको किसी से डरने की बात नहीं है। अगर देखिए कॉन्फिडेंस अगर बड़ा है तो डर तो आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ही ये बात है। तो इस वीडियो को इतना ही अभी यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं। तो इतना ही अभी मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर आप पेरेंट हो तो आपको बच्चों को दिखाइए, ऐसा बोलिए कि भाई तो ऐसा मत कर, ये गलत है, ये अच्छा है, ये सही है, ये कर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।